पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान उन पर चलाई गई गोली से हड़कंप मच गया था। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बचे थे, क्योंकि अगर वे अपना सिर नहीं घुमाते तो शायद गोली कान की जगह कहीं और हिट कर सकती थी और एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन अब इस हमले के बाद से ट्रंप की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, पर कई सवाल भी खड़े हुए। कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया? कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक भी नहीं लगी? और ये सवाल अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। लेकिन अब CNN की एक रिपोर्ट ने बड़ी हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए काफी समय से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उस ऑपरेशन में शामिल लोगों की हत्या कराने की कोशिश कर रहा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स द्वारा पेंसिल्वेनिया की रैली में पूर्व राष्ट्रपति को मारने का प्रयास करने से पहले अमेरिका को ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इस हमले से जुड़े कई लोगों ने बताया कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की जो कोशिश की थी वो इस साजिश से जुड़ा था। क्रूक्स ने ट्रंप पर गोली दागी थी और बाद में सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उसे मौके पर ही गोली मारकर ढेर करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है कि पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलाने वाला शख्स थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ईरान की साजिश का हिस्सा था। CNN के मुताबिक ट्रंप का चुनाव प्रचार देख रही उनकी टीम सीक्रेट सर्विस को शनिवार की रैली से पहले खतरे के बारे में पता चल गया था। नाम ना बताने की शर्त पर एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने CNN को बताया सीक्रेट सर्विस को इस खतरे के बारे में पता चला। NSC ने सीधे USS से वरिष्ठ स्तर पर संपर्क किया और अधिकारियों को खतरे की जानकारी दी गई। बढ़ते खतरे को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने शनिवार से पहले ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए संसाधनों को बढ़ा दिया था। बहरहाल ट्रंप के चुनाव अभियान ने यह खुलासा नहीं किया कि क्या उसे ईरान से जुड़े खतरे के बारे में पता था। ट्रंप के चुनाव अभियान ने एक बयान में कहा कि हम ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ऐसे सभी सवालों को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस यानी कि FBI से पूछा जाना चाहिए। वहीं ट्रंप पर हुए हमले में अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान का नाम जोड़े जाने से अमेरिका में मौजूद ईरानी दूतावास से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। दूतावास ने आगे कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ट्रंप को अपराधी मानता है, जिस पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आरोप। उन्हें कानून की अदालत में सजा दिया जाना चाहिए। ईरान ने उन्हें सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। बता दें कि ईरानी सेना के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को जनवरी साल 2020 में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में मार गिराया गया था। अमेरिका के लिए कासिम सुलेमानी का मारा जाना बड़ी बात थी, क्योंकि खुद ट्रंप ने इस घटना को ट्वीट किया था और एक तरह से अमेरिका के गौरव की तरह पेश किया था, जिसे देखते हुए ट्रंप पर हमले का पहला शक ईरान की तरफ ही जा रहा है।